हमीरपुर के मृदुल चौक पर शहीद अंकुश ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर विधायक इंदौर दत्त विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान शहीद अंकुश ठाकुर अमर रहे के नारे गूंजे। कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने शहीद अंकुश ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि अंकुश ठाकुर ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने शहीद सभी जवानों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। विधायक ने कहा कि इस दुख की घड़ी में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता परिवार के साथ है और पूरा देश सेना और जवानों के साथ खड़ा है। अंकुश ठाकुर के मृदुल चौक में वहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन हमारे कांग्रेस सेवा दल की युवा ब्रिगेड ने यहाँ पर आज आयोजन किया है। और इसका आयोजन करने का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि आज चाइना के साथ लड़ाई लड़ते हुए बॉर्डर के ऊपर जो है हमारे इस नौजवान साथी ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उसके लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। और जहाँ पूरे देश के लिए दुख का विषय है और उन वीर सपूतों की माताओं के लिए, उनके परिवार के सदस्यों के लिए जहाँ आज दुखों का पहाड़ टूट के पड़ा है, वहीं पूरा देश आज इन वीर सपूतों के साथ खड़ा है। और इन वीर सपूतों को के परिवारों, शोक संतप्त परिवारों के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं, कांग्रेस पार्टी की पूरी संवेदनाएं हैं। पिछले कल हम शहीद अंकुर जी के घर में जाकर आए थे, उसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष माननीय कुलदीप सिंह राठौर जी भी विशेष रूप से उपस्थित हुए थे और उन्होंने भी अपनी संवेदना प्रकट की। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, हमीरपुर।